कैसे दिखे हर जगह एक विजेता। अपने जीवन के उस क्षण को याद कीजिए जब आप अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बैठे थे, और यदि उस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति को कमरे में प्रवेश किया हो कि उस कमरे में आते ही आप सब लोग उसकी ओर ध्यान देने पर मजबूर हो गए। आखिर उस व्यक्ति में आपने ऐसा क्या देखा जो आप सब उसकी ओर ध्यान देने पर मजबूर हो गए। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके आने और जाने से उस कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति पर कोई भी फर्क पड़ता है। अब बताइए, क्या आपने उस व्यक्ति के भीतर ऐसा क्या देखा जो उसके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात बहुत सोचने लायक है कि कुछ लोग बहुत जल्दी ही दूसरे लोगों को प्रभावित कर देते हैं। इस दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को देखें तो हम पाएंगे कि वो सब एक विशेष तरीके का गुण अपने अंदर रखते हैं। वो गुण है उनके खड़े होने और चलने का तरीका। उनके खड़े होने में आपको आत्मविश्वास की एक बड़ी सुनामी सी आती हुई नज़र आएगी। इसी आत्मविश्वास की लहर में वो बाकी लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। लेखिका अपने बचपन में अपनी माँ के साथ एक बार सर्कस देखने गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़कों और लड़कियों का समूह है जो पिरामिड बनाने की तैयारी कर रहा है। उसी क्षण लेखिका के माँ ने लेखिका को बताया कि ये दुनिया का पहला ऐसा समूह है जो बिना किसी सुरक्षा जाने के पिरामिड बनाता है। लेखिका ने उन सर्कस के खिलाड़ियों के भीतर एक बात समान पाई, और वो थी उनके चलने और खड़े होने का अंदाज़। उन सभी खिलाड़ियों को अपने ऊपर पूरा भरोसा था और उनकी चाल में आत्मविश्वास की झलक साफ दिखने को मिल रही थी। यहाँ से लेखिका को समझ आया कि जिस व्यक्ति से हम बात ही नहीं करते उस व्यक्ति का चलना और खड़े होने का तरीका भी हमें उसके बारे में कितना कुछ बता देता है। अब बात है, जब बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि सीधे खड़े रहना चाहिए, हमेशा सिर को सीधा रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से अधिकतर लोग अब तक इस बात को अपने जीवन में लागू कर पाए हैं, तो अब ऐसा क्या किया जाए जब से हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर पाएँ। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीधा खड़ा रहना और अपने सर को आत्मविश्वास से रखना एक आदत है, ना कि हर बार ध्यान में रखकर किए जाने वाला एक काम। तो यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण सलाह देंगे जो आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाने में बहुत मददगार होगी। आत्मविश्वास से भरी इस चाल को पाने के लिए आप जब भी अपने घर के किसी भी दरवाजे के पास से गुजरें तो अपने दिमाग में सोचें कि इस दरवाजे पर आपके सर के थोड़ा ऊपर एक दांतों से पकड़ने का पैड रखा है। आपको इस पैड को दांतों से पकड़ना और ऐसा मानना है कि ये पैड आपको ऊपर क्यों खींच रहा है। इससे ये होगा कि आपको अपने सर को सीधा रखना आसान हो जाएगा और आपकी चाल में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देने लगेगी। इस काम को आपको कुछ दिनों तक जब भी किसी दरवाजे से गुजरें तो दोहराएं। कुछ ही दिनों के अंदर आप पाएंगे कि आप जब भी किसी कमरे में घुसेंगे तो अपने आप ही आपका सर सीधा होने लगेगा और आपके चलने के तरीके में भी एक सकारात्मक परिवर्तन नज़र आएगी।